नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार मांचियाओ। वीडियो से है सीओ के द्वारा रेफरल अस्पताल एवं बस स्टैंड पर जलवाए गए अलाव। बढ़ती ठंड को देखते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार मांचियाओ वीडियो सह सीओ रामजी प्रसाद गुप्ता के द्वारा बुधवार को रेफलर अस्पताल परिसर एवं मुख्य बाजार बस स्टैंड के पास अलाव जलाए गए। बताते चलें कि दिन बुधवार के न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। श्री गुप्ता ने बताया कि रेफरल अस्पताल और बस स्टैंड में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, ठंड से राहत मिले जिसको लेकर अलाव जलाई गई है और अभी निरंतर जलवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इन दिनों पूरे झारखंड शीतलहर के दौर में गुजर रहा है और लोगों को इस शीतलहर से बचना बहुत जरूरी है। लोग आवश्यक कार्य से ही घर से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि जब तक ज्यादा ठंड पड़ेगी तब तक दोनों जगहों पर निरंतर अलाव जलाए जाएंगे। वैसे अभी 14 जनवरी तक अलाव जलाने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं इस दौरान बीपीओ प्रभारी अखिलेश कुमार, अंचल कर्मी संतोष कुमार दुबे, राहुल कुमार, प्रखंड कर्मी वसीम अंसारी, अमित कुमार, आलोक कुमार सिंह, अनुज दुबे, महेंद्र सिंह कालिया सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। कोविड 19 की महा वैक्सीनेशन अभियान में मांझियाव क्षेत्र से 903 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। बीडीओ ने वैक्सीन लगवाने की अपील। इन दिनों मांझियाव प्रखंड क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी से अंचलाधिकारी की निगरानी में विशेष टीम गठित कर कोविड 19 की महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। रामजी प्रसाद गुप्ता ने कहा कि इस महा वैक्सीनेशन अभियान में बुधवार को प्रखंड क्षेत्र में 747 लोगों को कोविड 19 की वैक्सीन लगाई गई, जिसमें कोविड शील्ड का पहला डोज के 262 एवं दूसरे डोज के 342 और वैक्सीन के पहले डोज के 74 एवं दूसरे डोज के 76 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। वहीं महा वैक्सीनेशन अभियान में प्रखंड क्षेत्र में बूथ वाइज डोर टू डोर सर्वेक्षण कर कोविड 19 की वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी रामजी प्रसाद गुप्ता के द्वारा किया जा रहा है और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सभी वैक्सीनेशन सेंटर का भी प्रतिदिन निरीक्षण किया जा रहा है और उपस्थित कर्मियों से वैक्सीनेशन से संबंधित सुझाव दिए जा रहे हैं और कोई भी परेशानी हो रही है तो उसे हल किया जा रहा है। वहीं संबंध में श्री गुप्ता ने कहा कि सभी टीमों को कड़ी चेतावनी दी गई कि अपने अपने क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को 100% वैक्सीन करवाएं और इस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र एवं प्रखंड क्षेत्र वासियों से अपील करते हुए कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग अगर वैक्सीन से वंचित हैं तो वे अपना नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन अवश्य लें ताकि खुद को सुरक्षित के साथ अपने परिवार को भी इस महामारी से बचाने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों को सरकार द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में किसी प्रकार के सरकारी लाभ से वंचित न किया जाए, इसलिए लोग वैक्सीन अवश्य लगें। निरीक्षण के दौरान बीपीओ प्रभारी अखिलेश कुमार, अंचल कर्मी राहुल कुमार सहित अन्य लोग भी शामिल थे। रांची एल्युमिनियम वर्कशॉप, एल्युमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा झारखंड। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरि ओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड रेहला पलामू, भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुभी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।